इस शाम के 4 बज रहे हैं, अंबिका और नवनीत। शावा मुंह तो लगता है, शावा ठीक है तो? और बस ठीक से, बस बढ़िया। ये दोनों भी आ चुके हैं देहरादून घूम के। अभी 6 बज चुका है, अंबिका की घर जाने की तैयारी हो गई है, यहाँ रहे। तो हम लोगों ने जाना है सब्जी लेने इस वाली दुकान पे, यहाँ पे जाना है। हेलो हेलो, मालटा भी हमारे घर में मालटा है कबिलटा के। अच्छा, ये मालटा को सचमुच है कबिलटा के मालटे। हाँ, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। मेरे गांव का नाम है कोटमा, कोटमा पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अभी दिन के 1:45 हो रहे हैं और मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। और सुबह मैं स्कूल गई थी और काफ़ी लेट से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के टाइम मैंने कुछ भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो चले जी बाहर चलते हैं और बाहर का मौसम भी आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी मौसम कैसा है। साथ में मौसम की बात करेंगे तो आज बादल भी लगे हुए हैं और अच्छी सी इस तरफ अच्छी सी धूप खिली हुई है। और दिन के टाइम पे ना बहुत गर्म हो रहा है, काफ़ी गर्मी लग रही है, कड़क वाली धूप लगी हुई है। और यहाँ पे ना स्कूली बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है, यहाँ नीचे पे बच्चे रुके हुए हैं। और साथ में मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं खाना बनाती हूँ और एक साथ में दूध भी गर्म करना है और भूख भी लग चुकी है, बहुत तेज वाली भूख। तो चलिए जी फटाफट से खाना बना लेते हैं। और अभी मौसम के हाल चाल आप लोग देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल गड़गड़ भी कर रहा है, गड़गड़ाहट हो रहे हैं, काले काले बादल आ गए हैं और बारिश होने वाली है। साथ में दीदी अपने गेहूँ संभालने लग गई है, यहाँ पे ना गेहूँ रखे हुए है। तो आजकल जब तक खाना खाने बैठ जाते तब तक तो बारिश शुरू हो जाती है। गेहूं रख रही है दीदी अंदर। साथ में आज तीसरे दिन दीदी ने अपने चौक की लिपाई भी कंप्लीट कर दी है, लेकिन क्या करें, दीदी ने आज तीसरे दिन में कंप्लीट की, पर ये मौसम साथ दे तो तब ठीक हो जाएगा। अब मौसम साथ नहीं देगा तो ये पूरा खराब हो जाएगा, है ना। हेलो, है और बारिश आने वाली है। यहाँ व्यवस्था हो रही है चौक को ढकने की, चौक को ढक रही है संतोषी, ढक ढक आराम से, है ना। यहीं पे इसलिए ढका क्योंकि यहाँ पे ना गेहूं कूटते हैं, उस तरफ भी नहीं कूटते हैं और इस वाले किनारे पे भी नहीं कूटते हैं। तो मेन है ये बीच वाला एरिया, तो इसको ढक के रखेंगे तो कल गेहूं सुखाने के लिए होगा फिर। और बाहर हो चुकी है जबरदस्त वाली बारिश, और आज ना उस तरफ बारिश नहीं हो रही, यहाँ इस तरफ हो रही है बारिश, बहुत जबरदस्त वाली बारिश हो रही है। और ऊपर आसमान में तो भयंकर वाली गड़गड़ाहट हो रही है। और साथ में चली गई है लाइट, अंदर हो चुका है बिल्कुल अंधेरा। तो चलिए अब रजाई के नीचे, तो यहाँ पे ना बारिश होने के बाद काफ़ी ठंडा होता है, तो मैं रजाई के नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि बाहर भी कहाँ जाना, इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है कि क्या ही बताएं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और दिन में बहुत ही भयंकर वाली बारिश हुई और अभी थोड़ा बहुत हल्की हो चुकी है। तो चलिए मैं जाती हूँ दीदी के घर पे, और अभी ना मेरे घर पे कोई आने वाले भी हैं तो मैं जल्दी से वापस भी आ जाऊँगी। मेरा और दीदी का घर बिल्कुल क्लोज है और दीदी की चौक ना ऐसे हो गई है पूरी पानी से लथपथ का, जो गोबर से लिपाई की थी ना पूरा इकट्ठा हो चुका है। यहाँ पे इनकी चल रही है टी पार्टी, टी पार्टी चल रही है तुम लोगों की, टी पार्टी चल रही है।
और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अंबिका और नवनीत भी आ चुके हैं देहरादून से। ये देखो भीख भाग के बुरी हालत हो रखी है। ये दोनों भी आ चुके हैं देहरादून घूम के। ये तो वहीं पढ़ाई करती है, बाकी ये घूमने गया था। इन दोनों को बहुत भयंकर वाली भूख लग गई है, तो बनाती हूँ मैं। है तुमने क्या खाया? खानो नहीं क्या? तीन दारम भी। अंबिका और नवनीत के लिए मैंने दी है मैगी बना के, और इन्होंने खाना भी खा लिया है क्योंकि इनको बहुत जोरों की भूख आ रखी थी। और अब चाय भी बना के हमने, और कोई आइडिया ही नहीं है। इन्होंने बोला हम बनाती रहे, हम खाते रहेंगे। और अब चाय दे दी है क्योंकि यहाँ पे ठंडा हो रहा है, तो चाय का मजा कुछ अलग ही है ना ठंड के मौसम में। तो और ये तो लेट गया, इसका ना बारिश में भीगा तो इसको शायद हो सकता है बुखार भी आ जाए, है ना अंबिका? भरोसा नहीं है, है ना, बदन में दर्द हो रहा। तो अभी 6 बज चुका है, अंबिका की घर जाने की तैयारी हो गई है। यहाँ रहेगा नवनीत मेरे साथ, अंबिका दादी के पास जाएगी क्योंकि मेरा भी अभी स्कूल है, मैं तो जाऊंगी नहीं। ये जाने लग गया है घर, ये कुछ 4-5 दिनों के लिए आ रखे ना घर, उसके बाद फिर दोनों के दोनों चले जाएंगे। तो चल तू भी जा, जल्दी जा। तो अंबिका तो चली गई है, मुझे जाना है थोड़ा बाजार में, बाजार से थोड़ा सब्जी वगैरह लेनी है। और यहाँ से आएगी संतोषी और मैं साथ जाएंगे। आज रे लड़की, तो चलिए जी, संतोषी भी आ गई है और काफी लेट हो गई है ना। इस समय बड़ी मुश्किल से बारिश आ रही है, तो हम दोनों जा रहे हैं क्योंकि छोटू के पास ना दीदी है, तो हम जाते हैं घूम के आते हैं अभी। तो चलिए जी, हम कोटमा स्टेशन पे पहुंच गए हैं, और कोटमा स्टेशन पर भी आजकल काफी सुनसान है, भीड़ भाड़ बहुत कम है, यानी चहल पहल भी कम है, गाड़ियां भी कम दिखाई दे रही हैं क्योंकि लोग बाहर सारे केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जाना है सब्जी लेने इस वाली दुकान पे, यहाँ पे जाना है। हेलो हेलो, मालटा जी, हमारे घर में मालटा है कैबिल्डा की। ये हमने माल्टा को बिठी ना है? नहीं नहीं सर, सचमुच है कबिल्टा के माल्टे? हाँ, उसके बाद में आज बेचने के लिए लाया हूँ बाजार में। सचमुच ना, सब लोग ने 7 रुपए किलो बेचे, 7 रुपए का एक बेच रहे हैं। 7 रुपए का है, वाह पैसे आप ही ने कमाए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये माल्टे, देवर जी कह रहे हैं ये हमारे घर में रखे हुए थे। और ये ऐसे कैसे रहे? बिल्कुल ये तो कागज पे भी लपेट रखे हैं, पिल्टा और कागज दोनों पे। ना कागज इसमें लपेट आ गया, नहीं तो पिल्टे के अंदर थे। अरे वाह, लोकल माल्टा है ये, हमने कन के रिया माल्टा ताजो बोनो में, तो ये माल्टा दिए की था भाई क्या मां सुता ते मारे रिकॉर्ड कर दूंगा तुम, तेरे रिकॉर्ड में जन गड़बड़ में वन रिकॉर्ड पे वन जा। जो ये माल्टे हैं इनको देखकर मैं बहुत ही कंफ्यूज में हूँ। ये लोग कह रहे हैं हमारे घर के हैं, पर पता नहीं, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इतने लंबे टाइम तक ना ऐसे नहीं देखे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये पिल्टे का पीस भी है, मुझे नहीं लग रहा ये, मतलब ऐसे लग रहा है फ्रेश जैसे अभी तोड़ा होगा पेड़ से, नहीं लग रहा? पिल्टे के अंदर ऐसा ही होता है, हमारा एक पिल्टा होता है। कसम से तुम उनमें कंफ्यूज में डाल दिया।
तो चलिए जी, हम लोगों ने इतनी सारी सब्जी खरीद कर अब जा रहे हैं घर। और स्टेशन पे ना कैमरा खोलो तो सब ऐसे टुकड़ 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 देखते रहते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कैमरा नहीं खोला। थोड़ा आगे स्टेशन से थोड़ा आगे आए उसके बाद कैमरा ऑन किया मैंने, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बाजार की तरफ भी यहाँ पे कूड़ादान लगा हुआ है, डस्टबिन लगा हुआ है, तो देखते हैं अब कितनी साफ सफाई रहती है। और कूड़ा यहाँ पर फैला रखा है, वहीं पे जला रखा है, बाकी क्या बोल सकते हैं, है ना। तो इधर भी इस साइड भी वैसी है। और यहाँ पे भी खूब सारा कूड़ा है, यानी अब डस्टबिनों का भी अच्छे से उपयोग नहीं होने वाला है, और अगर उसको उपयोग करेंगे भी तो भर भी जाएगा और बंदर, बहुत खतरनाक वाले बंदर आने वाले हैं फिर।